हे गाइस, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक सीखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मतलब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन नहीं किया गया, हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर हमें उसका परसेंटेज भी डिफाइन करना है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, ये 5 वस्तुओं के SP के बराबर है, यानी कि CP को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसे क्रय मूल्य कहते हैं, और SP जो कि सेलिंग प्राइस होता है इसे हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। तो दिया हुआ है कि दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ से हम CP और SP का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो 2/5 कितना हो जाएगा, SP/CP। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि SP हमारा कम है और CP ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी SP हमारा कम होता है हमें लॉस होता है, तो यहाँ हमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, देखिए 3 का डिफरेंस है, तो 3 हम लिख लेंगे। उसके बाद हमेशा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं हम CP पे निकालते हैं, 5 दिया हुआ है × 100 कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, ये 20 हो जाएगा, और 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें 60% का लॉस हो रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही न्यू ट्रिक्स सीख सकें। थैंक यू।